हाय गाइस, आपकी शेफ फिर से लेकर आ गई नई रेसिपी। इसलिए सबसे पहले आपको लेना है एक कटोरी बेसन, उसमें हमने डालना है अजवाइन थोड़ी सी, ठीक है। और उसके बाद सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, फिर हम डालेंगे हल्दी, रेड चिली पाउडर, उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा हींग और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसा आप मुझे देख पा रहे हैं, पानी डाल के हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे और इस तरीके से हम फोक लेंगे यानी काटा लेंगे और उसके पीछे हम बेसन को इस तरीके से रैप अप कर लेंगे। जैसा आप मुझे देख पा रहे हैं, इस तरीके से पूरा रैप कर लेंगे। उसके बाद गर्म पानी में इन्हें बॉइल करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। देन उसके बाद बॉइल करने के बाद इस तरीके से हम फोक से निकाल देंगे। उसके बाद हम इनको चक्कू की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और थोड़े से ऑयल में इनको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के बाद ये बहुत टेस्टी हो जाएंगे। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और उसमें डालेंगे जीरा, तेज पत्ता, साथ में डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इलायची भी डाली है यहाँ पे फ्लेवर के लिए। एक कटोरी दही लेंगे, उसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, सांभर मसाला, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर और उसका जो मिक्सचर है वो इसमें एड ऑन कर देंगे इस ग्रेवी में। उसके बाद हमने जो बेसन के पीसेस कट किए थे वो हम इसमें एड ऑन कर देंगे इस तरीके से, जैसा आप मुझे देख पा रहे हैं, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से पकाएंगे। हरा धनिया ऊपर से कट कर डाल देंगे इसमें और यहाँ पर आपके बेसन की सब्जी बनकर तैयार है। ट्रस्ट मी, इतनी जल्दी बनेगी और इतनी टेस्टी बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे इसे खाकर। जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी लगी। गुड लक।